आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर गलियारों में गुजरने लगी अब आवाज। सभी अपने अपने ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। अब देखना लाजमी होगा किसके सिर ताज सजता है। हजारीबाग से प्रमोद खंडेलवाल की रिपोर्ट। झारखंड में हजारीबाग की बात करो, तमाम विधानसभा के उम्मीदवारों से हम अपने दर्शकों को रूबरू करवाए हैं लगातार, लेकिन आज ऐसे शख्सियत के साथ बैठे हैं जो किसी नाम के मोहताज नहीं है। जी बिल्कुल, पिछले कई वर्षों से समाज सेवा में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले, हर गलियारों में एक गूंज गूंजती है वो शख्सियत का नाम है यूथ आइकॉन के नाम से, हर्ष अजमेरा। जी बिल्कुल, आज हमारे साथ है हर्ष अजमेरा जी। सबसे पहले तो आपका स्वागत और अभिनंदन है हमारे आवाज हर्षित टीवी चैनल पर। क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव आने वाला है, किस नजरिए से और किस एंगल से देख रहे हैं इसको? एंगल क्या है, लोग अपने जो प्रत्याशी है लगे हुए हैं, सब अपना ताल ठोक रहे हैं। हमारा काम काम करना है, हम काम करते चले जा रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि अभी हम शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर बातें कर रहे हैं। हमारा मेन प्राथमिकता इन तीनों चीजों पर है, इसी पर हम आगे बढ़ेंगे। चूंकि आगामी विधानसभा चुनाव आ रहा है, विधायक पद के लिए कमर भी कस ली है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन और दिल में ऐसे नहीं लगता कि हमको विधायक पद के अलावा ही इसी तरीके से काम कर रहे? क्योंकि आपने अपने दर्शकों को एक बात और मैं बता दूं, विगत कई महीनों से इन्होंने एक सेवा सहयोग समिति भी प्रारंभ किया, जिसमें आज के पीढ़ी के युवाओं और महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य किए जा रहे हैं। तो उसमें और आगामी जो विधायक पद मिलेगा उसमें क्या कुछ अलग है? देखिए भैया, पॉलिटिक्स एक अलग चीज होती है और नेतृत्व करता एक अलग चीज होती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से हर दर्शकों को और हर लोगों को बता देना चाहता हूँ, मुझे पॉलिटिशियन नहीं, मुझे लीडर बनना है। और लीडर बनना उसको बोलते हैं जो लोगों के विचारों के उनके उम्मीदों पर खड़ा उतरे, उसको एक लीडर बोलते हैं। पॉलिटिशियन वो होते हैं जो आज चुनाव जीत कर दूसरे चुनाव की तैयारी करते हैं जीतने की। मुझे आपके चैनल के माध्यम से फिर मैं अतः बोलना चाहूँगा, मुझे एक लीडर बनना है और मैं लीडर बनने के मार्ग में आगे बढ़ा। देखिए, आगामी विधानसभा आ रहा है, लोगों की पहली पसंद आप बनते जा रहे हैं। जिस तरीके से लोग जो खाने को पसंद करते हैं, उस तरीके से आज के परिवेश और आज के इस दौर में नई पीढ़ी के युवाओं के पहली पसंद बनते जा रही है हर संघ। तो अगर मिलता है तो किस लेवल पर और किस तरीके से खड़ा उतरिएगा उनके विचारों पर? देखिए, बड़ा धन्यवाद है लोगों को, मैं उम्मीद बन के उभर रहा हूँ और मैं बुजुर्गों अपने बड़ों को आशीर्वाद मानता हूँ तय दिल से कि उनके लिए मैं उम्मीद हूँ। अगर एक उम्मीद हूँ, एक सोच हूँ, तो मेरा सोच और एक उम्मीद जो लोगों के बीच में उनके साथ रह के उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, उस पर खड़ा उतरना मैं पहले प्राथमिकता रखता हूँ। चुनावें आएंगी जाएंगी, काम करने वाले लोग बड़ा कम आएंगे, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं और हम आगे बढ़ के यही चाहेंगे कि जितना हो सके मैं इसे बन पड़ेगा, मैं जरूर करने के लिए तैयार हूँ। इसके लिए मैं आपका प्रमुख मुद्दा क्या होगा? क्योंकि जिस तरीके से आपने विगत वर्षों में कोविड काल गुजरा, आपने 24/7 मदद की, सहयोग किया, जन कल्याण के प्रति गलियों में आप उतरे, तो उस तरीके से प्रथम मुद्दा क्या? देखिए, हजारीबाग में मुझे लगता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार ये तीन मुद्दा है जो हजारीबाग को बेहद जरूरत है। उसमें से सबसे बड़ा मुद्दा जो मेरे नजर में है वो है रोजगार। आज हजारीबाग में इतने इतने शिक्षित लोग हैं, आपको छोटा सा वर्तमान में जो अभी बीता कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि कोर परिसर में चपरासी की नौकरी थी, कलर की नौकरी थी, इसलिए 72,000 फॉर्म भराए गए थे। 72,000 फॉर्म में 42,000 फॉर्म जिसका सिलेक्शन हुआ और सिलेक्शन होने के बाद इंटरव्यू प्रोसेस में आए, उसमें से आपको जान के ताजुब होगा कि उसमें से 50% से ज़्यादा लोग इंजीनियर और 10% डॉक्टर हुआ होते थे। एक बड़ा सोचने का विचारणीय बात है कि एक बीटेक किया बच्चा आज चपरासी की नौकरी के लिए लड़ाई थे कि उसको कैसे भी करके नौकरी मिल जाए, तो एक बड़ा बड़ा चिंताजनक बात है। इसी सोच के साथ हमने इसको एक मुकाम के लिहाज और एक एक्टिवनेस के साथ इस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि एक रोजगार के लिए कुछ किया जाए हजारीबाग में, हजारीबाग के युवाओं के लिए, हजारीबाग की महिलाओं के लिए रोजगार पर काम किया जाए। और बेहद आपको एक दो महीना सवाल होता है, भाजपा के लिए आपने कमर कसा है, और अगर क्योंकि तमाम उम्मीदवार आपके जैसे भी है, अगर भाजपा टिकट नहीं देती है तो क्या निर्दलीय भी? देखिए, चुनाव के बारे में क्या बोला, मुझे पॉलिटिशियन नहीं, मुझे लीडर बनना है, मैं उसी पथ पे आगे बढ़ रहा हूँ। और जहाँ तक की बात है पार्टी की, पार्टी
विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उनके पास एक टीम है, उनका एक सुझाव है, वो अपने जैसे सोचेंगे, अगर दायित्व लगेगा उनको तो ठीक है, वरना हम जिस राह में बढ़ चुके हैं उस राह से पीछे तो नहीं हटेंगे, काम तो काम करेंगे। आने वाले दिनों में भाजपा भी ज्वाइन करेंगे क्या? देखिए, हम भाजपा से आपको बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ और बड़ा क्लियरिटी बताते, हमारा पैदाइश, हमारा देख रेख, उनके विचारधारा हमारा भाजपा ही से। ज्वाइन तो एक औपचारिकता है, उस औपचारिकता को तो अभी एक घंटे में आप बताइए, स्लिप कटाना है, औपचारिकता हो जाता है, औपचारिकताओं पे मत जाइए, उस कर्म पे जाइए। उस झारखंड के हजारीबाग की बात करें और अपने दर्शकों को लगातार हमने दिखाया कि भाजपा के कितने दावेदार हैं आगामी विधानसभा। आज से हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि भाजपा के बाद अब कांग्रेस में भी कई दावेदार हैं जो ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ एक कांग्रेस के ही पुराने नेता, जननायक, समाजसेवी, तमाम कई वर्षों से ये कार्य करते आ रहे हैं। सबसे स्वागत है आपका हमारे आवाज़ हिस्से टीवी चैनल पर। आगामी विधानसभा चुनाव को किस एंगल और किस नज़रिए से देखेंगे? आने वाला चुनाव जो है, जैसे लोकसभा बीता, लोकसभा में भी हम लोग पूरा घूमें, तो जहाँ तक अभी चुनाव तो अभी 5 महीना लेट है, बहुत समय है, 2-3 महीना काफ़ी रहता है, लेकिन ये 5 महीना है। तो जो हम लोग घूमें, संगठन का जो रूपरेखा देखे हमारे बूथ स्तर पर, वो बहुत ही दयनीय था और है। सबसे पहला अगर चुनाव हमको लड़ना है तो उस बूथ को हमको मजबूत करना है, और जहाँ तक लड़ने की बात है तो हर कार्यकर्ता का इच्छा होता है कि मैं चुनाव लड़ूं, इसलिए कि लगातार वो जनता के बीच जाता। लोकसभा चुनाव की आप बात कर रहे हैं, लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस की हार, बीजेपी से रहे जयप्रकाश भाई पटेल ने कांग्रेस का दामन थामा, इसके बावजूद वो है, कहाँ ऐसी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भूल हुई जो उनकी हार? ये जो है हम भूल नहीं कहेंगे, कहीं ना कहीं हमारे जो संगठन जो है, संगठन से बीच से अगर कोई आदमी आता तो ये हर्ष नहीं होता। अचानक भाजपा से तोड़ जोड़ करके, देखिए क्या है कि समाजवादी विचारधारा जो है, तोड़ जोड़ सब पर विश्वास नहीं करता है। जो हमारा जमीनी कार्यकर्ता है उसी में से किसी छाट कर देते तो बहुत अच्छा ही रहता है, लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए कि अगर वो भाजपा से कांग्रेस में आए थे इसलिए वो हार गए। हाँ, इसलिए नहीं हारे, कारण हारने का बहुत सा कारण है, एक ये भी कारण है, उसमें 10-20 कारण है जो कि हम आपको गिनवा देंगे कारण। एक संगठन का कारण है, दूसरा है मैंने ये कहीं से परचेज किया हुआ, मैंने जो है जिसको जो बोलिए चाहे जिस टाइप से लीजिए प्रत्याशी खड़ा करना, तीसरा है कि हमारा जो उसमें संगठन का योगदान होना चाहिए वो योगदान नहीं था हमारा। खैर, अगर विधानसभा की अगर बात करें तो उसी उसकी कैसे क्या रणनीति बना रहे हैं? उसकी रणनीति सबसे पहला है कि हमको बूथ स्तर पर जो है विधानसभा जितने भी हमारे बूथ हैं सबको मजबूत करना, टिकट मिलना नहीं मिलना ये अलग बेटा है, उम्मीद तो सब लगाए हुए हैं कि हम भी लड़ेंगे हम भी लड़ेंगे, लेकिन इसमें मिलना ना मिलना ये अलग बेटा है, लेकिन पार्टी का जो है जो झारखंड के हजारीबाग की बात करें और तमाम अपने दर्शकों को उन उम्मीदवारों से रूबरू करवा रहे हैं जो आगामी विधानसभा में अपना दावा ठोकते नजर आ रहे हैं। आज हम वैसे नेता के पास है जो लगातार कई वर्षों से जन कल्याण की सेवा करते आ रहे हैं, समाज सेवा के रूप में तमाम गलियारों में एक नाम गूंजता है जो किसी नाम के मोहताज नहीं है, प्रदीप प्रसाद का। प्रदीप प्रसाद जी आज हमारे साथ है। प्रदीप प्रसाद जी, सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आगामी विधानसभा चुनाव को किस एंगल और किस नजरिए से आप देख रहे हैं? देखिए, आने वाले दिनों में हजारीबाग सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ उम्मीदवार होगा, क्योंकि हजारीबाग शुरू से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है और जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में काम कर रही है तो निश्चित तौर पर आने वाले दिन में भारतीय जनता पार्टी का यहाँ प्रथम लड़ाई। क्योंकि जिस तरीके से आपने आगामी अभी जो विगत दिनों जो लोकसभा चुनाव समाप्त हुआ, मनीष जी के साथ आप हर पल हर जगह अपने सेवा की, उसका भी कुछ इसमें क्या कुछ? निश्चित तौर पे पार्टी का जो काम हुआ है अब उस लोकसभा के समय तो विधानसभा में असर पड़ेगा, पार्टी को फायदा होगा। मेन मुद्दा क्या होगा, मोटो क्या होगा? हजारीबाग का विकास ही मेन मोटो होगा और दूसरी तो कोई बात ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है और विकास ही मेन मुद्दा होगा। क्योंकि आपके साथ प्रदीप जी एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि आप बिना विधायक के लगातार सेवा करते आ रहे हैं,
अभी आप वर्तमान की स्थिति में लगभग 1 लाख से ऊपर अब तक आपने पेड़ लगा चुका, वृक्षारोपण कर चुका, तो विधायक बनने के बाद वैसा क्या लेवल होगा जो अलग हटकर होगा? देखिए, अगर आप बिना पद के कुछ कार्य कर सकते हैं और अगर आपको पद मिलेगी तो निश्चित तौर पे उससे कई गुना ज़्यादा वृद्धि होगी, आपका ताकत मिलेगा, आपका मनोबल बढ़ेगा, आपका टीमवर्क बढ़ेगा। तो अगर आपको पद हासिल